आज के फार्मर्स डे की शुभकामनाएं। जैसे सर ने बोला कि हर एक के घर में जो चूल्हा जलता है, चूल्हा मतलब अब आज तो गैस है जलता है, ओनली बिकॉज ऑफ हमारी वजह से, क्योंकि मैं भी तो एक किसान हूं। इस दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। सभी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं और सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। 225 फार्मर्स अभी मुझे दिख रहे हैं और आज का जो सेशन है ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि गुजरात से भी कुछ किसान आज के ट्रेनिंग में है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के भी किसान हैं और दोनों बाहर के हैं, जो हस्त बाहर में बाहर लिया हुआ है, जिनका हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी में आएगा, कुछ फार्मर का मार्च में भी आएगा, और कुछ फार्मर ऐसे हैं जो आगे का आने वाला अंबिया बाहर लेना चाहते हैं, मतलब जनवरी फरवरी में वो डिफोलिएशन करेंगे या प्रूनिंग करेंगे, पहला पानी देंगे, या कुछ फार्मर ने थोड़ा सा हड़बड़ी भी किया है, अभी उनका प्रूनिंग हो चुका है, उन्होंने इथरेल का स्प्रे भी कर लिया है, तो उनके लिए भी मेरे कुछ बातें सुनना पड़ेगा आज, क्योंकि आज आगे चल के बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड के कारण हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2020 हम सब लोगों के लिए अच्छा नहीं गया है, क्योंकि अंबिया बहार में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन जून जुलाई अगस्त में हुआ था, उसकी वजह से पूरे के पूरे फल सड़ गए थे, हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए। मृग बहार जो हमने पकड़ा था जून जुलाई में, ज्यादा बारिश की वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट और कोलोट्रोट्रिकम एंड अल्टरनेरिया, ये फंगस की वजह से वो भी खराब हो गया, और हस्त बहार में इतना ज्यादा बारिश हुआ था कि किसी का भी प्लांट में स्ट्रेस नहीं था, फूल आए नहीं, आए भी तो मेल आए, और जो भी फीमेल फ्लावर थोड़े बहुत आए थे उनको जो पकड़ी करपा हम बोलते हैं या कोलोट्रोट्रिकम बोलते हैं, उसकी वजह से वो भी खराब हो गया और आज हमारे पेड़ खाली है। आज जो हमें 150 रुपीज पर केजी के रेट जो मार्केट में दिख रहे हैं, वो सिर्फ हमारे कुछ किसान हैं उंगली के ऊपर मोजने जैसे बोल सकते हैं अपन, कि उतने ही किसान हैं जिनके पास एक एकड़ में जो 12-13 टन माल निकालते थे, उनके पास 2-3 टन माल है, उनको ही पैसे वो मिल रहे, लेकिन हर साल से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो रेट जो भी सबको दिख रहा होगा तो वो किसान के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि माल किसी के भी पास इतना ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी कम है, इसीलिए प्रॉब्लम है। और इस साल इतना ज्यादा उन्होंने खर्चा किया है फंगल अटैक कंट्रोल करने के लिए रहेगा, या फिर जो भी पानी निकालने के लिए फर्टिगेशन कैसे करना है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला साल था, तो जो भी काम करके जो किसान ने थोड़ा बहुत पैसे कमाए हैं वो बहुत कम है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बाहर मैनेजमेंट के ऊपर ही मुझे बात करना है, और आगे चल के ऐसा फेल्यूर नहीं आना चाहिए। आगे के साल में बारिश कैसे आएगा ये आपको और मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन एक पता है, जब मेरे दादाजी खेती करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी खेती करते थे, उसके बाद मैंने भी कुछ साल डायरेक्ट खेती किया, और बाद में मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, और बाद में अपना जो फार्म डीएसएस है या एग्री अकेडमिया है ये मैं चला रहा हूँ, अपना ऑफिस खेत में है, इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं खुद ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के खेती नहीं करता हूँ, लेकिन मैं खेत में रहता हूँ, इसलिए खेत में क्या चलता है ये मुझे पता है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दादाजी भी और मेरे पिताजी भी एक चीज बोलते थे कि लास्ट ईयर अच्छा था, जो भी समस्या एग्रीकल्चर में हर साल जो नई नई आ रही है, वो नई समस्या इतनी डेंजरस आ रही है कि खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसमें पानी की समस्या रहेगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश आने की संभावना रहेगी, और ये अगर आप सीखेंगे नहीं और इसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लेना है वो अगर आप नहीं जानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ खर्चा बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो मीटिंग रहेगा ये एक आई ओपनिंग रहेगा, और मैं सबसे पहले प्रिवी कंपनी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रिवी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि क्लाइमेट चेंज में प्लांट के अंदर जो बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस आता है, बायोटिक स्ट्रेस मतलब जो भी जीवंत जीव उसके ऊपर तकलीफ देते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस है, या फिर अबायोटिक स्ट्रेस जो मेजर होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पानी जो अपना खराब हुआ है उनकी वजह से, और मिट्टी में जो है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है
वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्रिवी कंपनी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करके मदद कर रही है। इसमें आप सब लोगों को हर एक मीटिंग में मैं जो प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं वो है आपका सिलिक्सॉल, जो कि आर्थोसिलिसिक एसिड का स्टेबल वर्जन और प्लांट के अंदर कम डोज में ज्यादा सिलिकॉन का अवेबिलिटी करना, ये जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंडस्ट्री में जिसने लॉन्च किया है वो प्रिवी कंपनी है। तो ये कंपनी का स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ा रोल है। सेकेंड प्रोडक्ट आपको ये भी पता होगा कि न्यूट्रीफाइड, जो भी मेरे शेड्यूल में ऑलरेडी रिकमेंडेड है, सिर्फ जो फार्मर बात करते हैं वो फार्मर के लिए ये प्रोडक्ट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव पॉलीमराइज फॉस्फोरस प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट का रेसिड्यू आपका जो एलिएट होता है एल्यूमिनियम फोजाटाइल, उसके जो रेसिड्यू आते हैं वो अंदर आते हैं, इसलिए वो फार्मर छोड़ के आप बाकी सभी फार्मर स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए या प्लांट के अंदर बैक्टीरिया और फंगस के प्रति प्रतिकार शक्ति निर्माण करने के लिए आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है न्यूट्रीफाइड। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट इस कंपनी का जो सबसे बेहतरीन है, और अपने शेड्यूल में जिन्होंने फार्म डीएसएस यूज करते हैं या मेरा ट्रेनिंग जिन्होंने किया है, जिनको मैं वैम के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करता हूं, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पोर काउंट है, 200 ग्राम प्रति एकड़ सिर्फ उसका डोज है, ऐसा माइकोक्सोल करके एक प्रोडक्ट प्रिवी कंपनी का है, जो माइकोक्सोल सॉइल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे वैम होती है। वैम मतलब वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, और माइकोराइजा जब आपके सॉइल में मल्टीप्लाई होगा, ये रूट्स के ऊपर और रूट्स के अंदर बढ़ने वाली फंगस होती है, और ये फंगस को कहा जाता है इट्स अ रूट ऑफ रूट्स। रूट ऑफ रूट्स मतलब क्या, अनार की जो जड़े है उसका जड़े, मतलब जहां तक अनार की जड़े पहुंचती है वहां से आगे से पानी और न्यूट्रिएंट लाने का काम, उस मिट्टी में जो भी आपके हार्मफुल पैथोजन है जैसे फ्यूजारिया में, सिरेटोसाइटिस है, स्क्लेरोसिया में, पीथियम है, राइजोक्टोनिया है, या फिर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट है, आपका निमेटोड है, सॉइल कंडीशन है, एरेशन बढ़ाने के लिए, पोरोसिटी बढ़ाने के लिए ये वैम बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये भी अच्छा स्पोर काउंट वाला, कम से कम डोज में प्रति एकड़ यूज करने वाला 200 ग्राम माइकोक्सोल, ये भी प्रोडक्ट इस कंपनी का है। तो ऐसी ही कंपनी है कि रूट से लेके स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए काम करने वाली ये कंपनी है। तो शेड्यूल में जो प्रोडक्ट का जहां पे आप इस्तेमाल करते हो, ये ऑलरेडी मैं मेरे हर एक मीटिंग में तो बताता हूं, लेकिन आज कंपनी बोली कि हमारे पूरे किसान भाइयों को एक बाहर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होना चाहिए, वो ट्रेनिंग आप करवा दीजिए। तो ये ट्रेनिंग प्रिवी कंपनी का है, प्रिवी कंपनी के जो भी मेरे शेड्यूल में प्रोडक्ट है वो तो मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, पीजीआर है, या फिर आपका न्यूट्रिशन है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो प्रोडक्ट प्रिवी कंपनी के पास नहीं है वो मुझे दूसरे कंपनी का भी रिकमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जाना चाहिए फार्मर्स के लिए, ना कि सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करिए आपका खेती अच्छा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। तो जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बाहर मैनेजमेंट के लिए होना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी अराउंड 300 के आसपास फार्मर हो रहे, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे मीटिंग चालू करना चाहिए। आगे का जो मिनिमम एक घंटा जो है ये मीटिंग चलेगा, मिनिमम एक घंटा मेरा रहेगा, और उसके बाद जो भी भार्गव मैम है या सर जो भी बात करेंगे वो हमें सुन के फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे लास्ट में। और मैं पार्टिसिपेंट 300 क्रॉस कर चुका हूं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी अनम्यूट करके बात नहीं करेगा, जो भी चैट बॉक्स है इसी के अंदर आपके क्वेश्चन आप डालिए, जब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन डालिए तब आप क्वेश्चन डालिए, जो भी क्वेश्चन मुझे आंसर करना है मैं करूंगा, जो भी प्रिवी कंपनी के ऑफिसर है वो भी आपके उनके प्रोडक्ट के प्रति अगर कोई प्रश्न होगा तो वो भी वहां से आपको जो भी गाइड करना है वो करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आज का जो सेशन है उसके लिए मैं आशीष चौधरी जी आऊंगा, मैं अभी कोई चैट नहीं करेगा, अपना जो ट्रेनिंग का नियम होता है कि कोई भी जब मैं बात करूंगा तब चैट नहीं करेगा, ताकि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, और आप सब लोगों को पता है कि ये अभी अपना 7th बैच चल रहा है, और उसके भी कोई पार्टिसिपेंट मुझे यहीं पे दिखे, जो आज 5.5 घंटे का सेशन हमने इरिगेशन के ऊपर कंप्लीट किया, और बाद में ये सेशन भी 7 बजे मैं कंडक्ट कर रहा हूँ।
हाँ तो चलिए अभी मैं सब दूर आऊंगा, राजस्थान आऊंगा, गुजरात आऊंगा, कर्नाटक आऊंगा, महाराष्ट्र आऊंगा, सबको जब भी आऊंगा तब तो मैं आऊंगा। मुझे आग्रह मत करिए कि कब आओगे, कोरोना जाने दीजिए, मैं आ जाऊंगा। चलिए तो आज का मीटिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज कोई भी चैट नहीं करेगा, कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, कोई भी अनम्यूट करके बात नहीं करेगा, कोई भी स्क्रीन के ऊपर एनोटेशन नहीं करेगा। पेन और पेन लेके आप बैठे होंगे तो बहुत बढ़िया है। जो भी मुझे नया कुछ मिलता है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हर एक मीटिंग में कुछ तो भी नया वैल्यू आपको देके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए पेन और कागज जो है आपके सामने होना चाहिए और शांत जगह पे बैठे। 1 घंटा ज्यादा नहीं होता है, 1 घंटा आपको मुझे देना है अनार के लिए। तो बाहर मैनेजमेंट की मैं अभी बात कर रहा हूं। बाहर मैनेजमेंट क्या होता है? गांव में लेबर आ गया, मैंने प्रूनिंग कर लिया, सब लोग इथरेल का स्प्रे कर रहे हैं, मैंने भी इथरेल का स्प्रे कर लिया और मुझे पानी देना है, इसको हम बाहर मैनेजमेंट बोलते हैं। और मैं बोलता हूं कि जब तक आपको 5 फिनोलॉजिकल स्टेजेस पता नहीं है अनार की, तब तक आप बाहर मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर सकते। प्लांट की फिनोलॉजी और प्लांट की फिजियोलॉजी, ये दो अलग अलग चीजें होते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है कि आपका पौधा पानी कैसे लेता है, पानी के साथ न्यूट्रिएंट कैसे जाता है, उसके अंदर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, असेंट ऑफ सैप क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनता है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स बनता है, हार्मोन्स बनता है, एंजाइम्स बनता है, लिपिड्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, वही एक खाना के रूप में पूरे प्लांट में चला जाता है। और पूरे प्लांट से जो भी अनार आप हार्वेस्ट करते हो, ये जो 5 तत्व है उसी की वजह से हार्वेस्ट हो जाता है। ये है उसका फिजियोलॉजी। लेकिन हर एक स्टेज में आपको अलग अलग काम करना पड़ता है और आपके पास 12 महीने है। 12 महीने में वो क्रॉप का ख्याल आपको लेना है हर एक फिनोलॉजिकल स्टेज में। इसे कहा जाता है बाहर मैनेजमेंट। तो इसमें जो 5 स्टेजेस होते हैं, एक होती है स्टोरेज स्टेज, जिसके अंदर आपको खाना देना है, उसको जितना आपने हार्वेस्ट कर लिया है उतना वापस रिफिलिंग करना है, उसे स्टोरेज स्टेज कहा जाता है, जो 3 महीने से लेकर 4 महीने की होती है। उसके बाद आती है स्ट्रेस कंडीशन, जब आप पानी बंद करते हो, प्लांट की ग्रोथ रुकवाते हो, ग्रोथ रुकने के बाद पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं, पीले होने के बाद जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट था वो आपके बर्ड में चला गया है और उसी बर्ड से आपको फीमेल फ्लावर निकालने के लिए एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फिर ये स्ट्रेस हम क्यों देते हैं कि पत्तों के अंदर का जो भी कार्बोहाइड्रेट है ये बर्ड में जाना चाहिए, पत्ते गिरना चाहिए। वापस प्रूनिंग के बाद हम पानी देंगे तो एट अ टाइम सभी बर्ड स्प्राउट होंगे, हर एक बर्ड से चौकी तैयार होगी और उसी चौकी से फीमेल फ्लावर हमें निकलेगा। इसके लिए हम प्लांट को स्ट्रेस दे देते हैं। अगर नेचुरल स्ट्रेस हमें ज्यादा नहीं बैठता तो हमें कभी कभी केमिकल का इस्तेमाल करके उसको स्प्रे करके पत्ते झाड़ने पड़ते हैं। उस केमिकल का नाम है इथेफोन, जो इथरेल नाम से मार्केट में मिलता है। इथेफोन एक केमिकल जब आप पत्तों के ऊपर डालते हो, प्लांट के अंदर वो जाता है और इथिलीन जो स्ट्रेस हार्मोन है इसका लेवल बढ़ा लेता है और वही इथिलीन आपके पत्ते पीले गिरा के नीचे डाल देता है और फिर आपको पहले स्ट्रोक में फीमेल फ्लावर निकल आती है। तो ये नेचुरली या आर्टिफिशियली आप केमिकल का इस्तेमाल करके ये स्टेज कर सकते हो। उसके बाद की जो स्टेज है प्रूनिंग के बाद, जब आप पहला पानी देते हो तो पानी देने के बाद रूट्स को आप वापस एक्टिवेट कर लेते हो, वापस चौकी आ जाती है, उससे फीमेल फ्लावर निकलता है और फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन कंप्लीट करके हनी बी से वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टेज है ये स्टेज आपका 60 दिन का होगा, 2 महीने का होगा। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा आपका फ्लावर टू फ्रूट और फिर आप बोलते हो कि मेरा सेटिंग कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर आपको मिला है वो किस की वजह से मिला है? स्टोरेज स्टेज में जो आपने काम किया था, स्ट्रेस स्टेज में जो आपने स्ट्रेस बनाने के लिए जो काम किया था, उसका नतीजा अभी ये फीमेल फ्लावर जो बाहर आया है वो है। मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं कि अंदर कुछ भी नहीं है और आपने स्प्रे करके अपने फीमेल फ्लावर बाहर निकाल लिया। अंदर अगर है और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो आप वहीं पे पीजीआर का इस्तेमाल करके बाहर निकाल सकते हो। या फिर वो निकलने वाला अगर वीक कंडीशन में निकल रहा है तो अगर उसकी कंडीशन आपको अच्छी करनी है, उसकी लंबाई या गर्त उसकी फीमेल फ्लावर की अगर अच्छी करनी है तो वहीं पे आप पीजीआर का इस्तेमाल करके इसको अच्छा कर सकते हो। तो फ्लावरिंग स्टेज का जो नतीजा है, जो भी रिजल्ट आपको आएगा, ये पीछे 2 स्टेजेस है, उसमें आपने क्या क्या काम किया है और वहीं पे अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं आते, फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं,
या फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो रहे है, मधुमक्खी है तो भी ये फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो रहे है, दिखने में शायद फीमेल होगा, मादा फूल होगा, लेकिन वो इंटरमीडिएट टाइप का फ्लावर भी हो सकता है। ज्यादा अगर हार्मोन का इस्तेमाल करोगे, जिस पौधों की कैपेसिटी 200-300 फूल निकालने की है, हार्मोन का इस्तेमाल करके कभी कभी 1000-1200 फूल वो पौधा दे देता है, और फिर दिखने में फीमेल दिखेगा लेकिन उसके अंदर ओवरी पूरी डिफाइन नहीं होती, और वो दिखने में फीमेल दिखेगा लेकिन वो फीमेल नहीं होता है, और उसमें ड्रॉपिंग होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मेरे आपको रिक्वेस्ट है, हर चीज आपको सोच समझ के अगर आप करोगे और नेचुरली प्लांट के अंदर जो भी फिनोलॉजिकल स्टेज है उसको अगर जाने देंगे और नेचुरली कंडीशन में अगर आप उसको अच्छे हैंडल नहीं कर पाओगे तो ही आप पीजीआर का इस्तेमाल करिए, तो ही आप जो भी आपको उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो आप ले सकते हो। तो ये रहा आपका थर्ड स्टेज जो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज रहेगा। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज में उसकी साइज कैसी है, फीमेल फ्लावर की उसकी गर्थ कैसी है, सेटिंग आपकी राउंड शेप में हुई या लंबी हुई है, जो भी सेटिंग आपकी हुई है उसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक था क्या, एफिड्स का अटैक था क्या, उसके ऊपर मिलीबग था क्या, उसके ऊपर इल्ली थी क्या, पोलोटोट्रिकम आया था क्या, अल्टरनेरिया उसके ऊपर था क्या, सर्कोस्पोरा वहीं पे था क्या, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये रहेगा तो आप अच्छा वापस हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। फीमेल फ्लावर आपको 200-300 भी आए, पूरा सेटिंग भी आपको पूरा मिल गया, लेकिन अगर उसके ऊपर ये फंगल अटैक या इंसेक्ट का अटैक, नाइट्स का अटैक ज्यादा अगर रहेगा तो लास्ट में जो क्वालिटी आपकी बनेगी वो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक लाइन थ्रिप्स इस स्टेज में खींचेगा वही जाके हार्वेस्टिंग के स्टेज में एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली का पैच बन जाएगा। तो आपको किस स्टेज में किस इंसेक्ट को, किस डिजीज को कंट्रोल करना है यह भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फार्मर मैं देखता हूं कि इतने बड़े बड़े फल को लेके जाते हैं मार्केट में जिसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक होता है, और वो वहीं पे जाके बोलते हैं कि अभी इसके ऊपर क्या करूं, और वहां पे बड़े बड़े ब्रांड यूज किए जाते हैं इतने बड़े फ्रूट्स के ऊपर। क्या मुझे ये आप बता सकते हो, थ्रिप्स इतना छोटा इंसेक्ट है, थ्रिप्स के जो अपने लैंग्वेज में दांत बोलेंगे या टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में टेक्निकली हम उसको मैंडिबल्स बोलेंगे, इतने हार्ड होते हैं कि जो आपका 100 ग्राम के फ्रूट्स के ऊपर वो स्कार तैयार कर पाएगा और स्क्रैच निकाल के वहां से सेल से आप ले पाएगा। तो ये नहीं होता है। जब भी आपके फीमेल फ्लावर बर्ड बाहर निकलते हैं उसी के ऊपर जो लाइन खींचता है वही बाद में बड़ी हो जाती है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ जो स्टेज होती है आपकी वो शायद 2 महीने से लेकर 3 महीने की होती है, जिसे हम ग्रीन फ्रूट स्टेज कहते हैं। ग्रीन फ्रूट स्टेज जो स्टेज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है पोमोग्रेनेट में, और सबसे ज्यादा ससेप्टिबल है आपके बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। जो भी तेलिया, बीबिया, जो भी आप नाम से तेलकट नाम से जिसको जानते हैं, जिसकी वजह से आप इतना पूरा इंडिया हिल रहा है कि बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आएगा तो अनार्की क्या हालत हो जाएगी, जो लास्ट ईयर हमने अच्छी तरह से सब एरिया में उसको देख लिया है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ये स्टेज में सबसे ज्यादा आता है, और ग्रीन फ्रूट स्टेज जो होता है उस स्टेज में आपके फल बनते हैं। साइज नहीं बनेगी आपकी, लेकिन उसका छिलका, उसके दाने, दाने के अंदर सीड, सीड के ऊपर जूस सैक, ये सब बनेगा। और ये जब बनेगा तब हार्वेस्टिंग के स्टेज में उसकी साइज बनेगी, मैच्योरिटी की स्टेज में उसकी लास्ट जो स्टेज होती है उसमें साइज बनती है। तो ऊपर का जो छिलका अगर जितना बढ़िया रहेगा उतने उसका स्ट्रेच होगा और आपको बढ़िया साइज वो दे देगा। तो ऐसे 5 स्टेजेस में पोमोग्रेनेट जाता है। लास्ट स्टेज जो होती है वो सिर्फ साइज, कलर, शाइनिंग, मिठास, वेट ये गेन करने के लिए होती है, और इसमें बहुत सारे चीजें आपको करना पड़ता है। YouTube के ऊपर मैंने बहुत सारे कलर साइज के लिए वीडियोज भी डाले हैं, वो भी वीडियो आप फ्री देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये क्रॉप को हैंडल करना है। अभी ये अगर है और ये कौन से मिट्टी में कौन सी स्टेज कितने महीने की होती है ये भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी प्रैक्टिकली अभी हमें क्या क्या करना है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सब मेरे साथ अलाइन है कि आपको मिनिमम 1 घंटा रुकना है ताकि मैं आपको पूरा का पूरा जो भी मुझे बताना है ये मैं बता पाऊंगा। सबसे पहले हमेशा मैं एक चीज बोलते आया हूं कि स्टोरेज स्टेज के शुरू में आपको फर्टिलाइजर डोज देना है।
जिन्होंने अंबिया बाहर इस बार हार्वेस्ट किया या उन्होंने जो भी फल उनके नीचे गिरे थे उसके बाद बाहर मैनेजमेंट स्टोरेज स्टेज में नहीं कर पाए क्योंकि बारिश ज्यादा थी, किस प्लॉट में फार्मर जा भी नहीं पाया क्योंकि अंबिया बाहर जिस एरिया में लिया जाता है वहां पे ब्लैक मिट्टी होती है और समर में पानी की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि जनवरी फरवरी में जो डिफोलिएशन करता है, जुलाई अगस्त सितंबर में जो हार्वेस्ट करता है उसे अंबिया बाहर कहा जाता है। अंबिया मतलब मैंगो नहीं है, मैंगो का बाहर भी उस टाइम आता है, इसलिए पोमोग्रेनेट में जो बाहर लेते हैं, अनार में जो बाहर लेते हैं उसका नाम अंबिया बाहर है। क्लियर? तो ये बाहर में जो स्टोरेज स्टेज में खाना देना था या फर्टिलाइजर देना था ये हम बारिश की वजह से या मिट्टी में ज्यादा पानी था इसकी वजह से दे नहीं पाए। किस फार्मर ने अगर दिया भी होगा तो बारिश ज्यादा हुई और पूरे जो फर्टिलाइजर थे आपके वो लीच आउट हुए हैं। तो अभी मेरी एक रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी, नेक्स्ट सीजन में अच्छा फीमेल फ्लावर बाहर निकालने के लिए और उसका पोषण अच्छा होने के लिए मिट्टी के अंदर जो भी केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जाना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पहले दिए हैं तो अभी आपको वापस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो वापस जो मैं डोज आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक और केमिकल का ये आपको देना पड़ेगा। गोबर खाद आपको प्रति पौधा 20 से 40 किलो देना पड़ेगा। डीएपी या 10-26-26 जो भी स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप ले लीजिए, दोनों में से एक कोई भी आपको देना पड़ेगा। अगर डीएपी दे देंगे तो उसके साथ में आपको एमओपी देना पड़ेगा क्योंकि डीएपी के साथ में पोटैश नहीं होता है, तो पोटैश आपको एमओपी या एसओपी के माध्यम से देना पड़ेगा। या फिर अगर आपके यहाँ पे यारामिला कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है तो यारामिला कॉम्प्लेक्स भी आप दे सकते हो जो अच्छा पॉलीफॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल है। बेंसल्फ भी आपको इसके साथ में देना है जिसके अंदर बेंटोनाइट सल्फर होता है। आपको पता है कि अगर आप सल्फर डालोगे तो नाइट्रोजन, पोटैश, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम ये 5 न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने में मदद हो जाएगी और आगे जो अभी सॉइल का टेम्परेचर कम हो जाएगा सल्फर सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए भी मदद कर लेता है। तो जो भी बेंटोनाइट सल्फर आपके मार्केट में अवेलेबल होता होगा उसी को आपको इस्तेमाल करना है। यही पे मैं आपको माइकोक्सोल के बारे में बताऊंगा। माइकोक्सोल.com नाम इस प्रोडक्ट का है। तो ये प्रोडक्ट है आपका सॉइल कंडीशनर, ग्रेन्यूल फॉर्म में ये आपको मिलेगा। 25 ग्राम्स पर पौधा इसको आपको डालना है। ये डालने के बाद आपकी जो मिट्टी का जो टेक्सचर होता है अच्छा होगा। ये प्रोडक्ट प्रीवी कंपनी का है। और उसके बाद बोनमिल डालिए, बोनमिल 1 kg, बोनमिल या फिश मिल जो भी आपको मिलेगा वो आप डाल दीजिए। नीम के या नीम करण जेरन महुआ जो आनंदा में आर्गो स्ट्रॉन्ग नाम से मार्केट में मिलता है वो भी आप 1 to 1.5 kg पर प्लांट डाल दीजिए। और वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो 1 to 1.5 kg ये आपको डालना है। केमिकल फर्टिलाइजर हमेशा मिट्टी में ऐसे गिरना चाहिए कि हर एक दाना अलग अलग गिरेगा मिट्टी में या गोबर खाद में, वो मिक्स रहेगा, हर दाना सेपरेट रहेगा, दो दाने के बीच में मिट्टी या गोबर खाद रहेगा, वहां से रूट डेवलपमेंट होगी और आपके जो भी न्यूट्रिएंट आपने दिए हैं केमिकल वो प्लांट के अंदर जाने के लिए मदद हो जाएगी। तो ये बेसल डोज आपको इस साल देने की जरूरत है, जो कि मैं पहले बोलता था कि आपको स्टोरेज स्टेज में देना है, लेकिन इस बार जो स्टोरेज स्टेज में हम नहीं दे पाए तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये उसका खाने का जो रोटी पकने वाला जो होता है बर्तन, ये पूरा बर्तन आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि पूरे साल भर यहाँ से ही न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं या बोन मिल वहीं पे डालेंगे तो बोन मिल से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, मिट्टी का क्वालिटी जो है अच्छा रहेगा और वो जो पौधा है वो रूट्स एक्टिवेट करके जो भी खाना नीचे है उसको ऊपर ले लेगा। इसके लिए ये आपको डालने की जरूरत है। उसके बाद आपको स्ट्रेस कंडीशन आपकी चालू होगी। अभी आपको पानी नहीं देना है, ये फर्टिलाइजर आपको देना है, ये फर्टिलाइजर देने के बाद आपको पानी नहीं देना है तुरंत। अभी आपके पौधों में आपने पानी बंद किया होगा, पानी बंद करके जितना स्ट्रेस नेचुरली बैठेगा उतना अच्छा है, जितना स्ट्रेस नेचुरली बैठेगा उतना अच्छा है। स्ट्रेस मतलब ऊपर का ग्रोथ रुकना, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कम होना, स्ट्रेस हार्मोन प्लांट के अंदर बढ़ना, पत्ते पीले होके गिरना, पत्तों के अंदर का जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो बर्ड्स के अंदर आना, बर्ड्स के अंदर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होके उसी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से फीमेल फ्लावर बाहर लाना, ये काम अभी आपको करना है। लेकिन वापस यही पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा,
जिन फार्मर के यहाँ पे हेवी बारिश हुई है, जिनके यहाँ से सब पानी अगर खेत से निकल गया है, या ज्यादा ड्रेनेज जहाँ पे अवेलेबल था वहीं पे लीच आउट हुए है न्यूट्रिएंट, वहां पे आज भी प्लांट की जो टेक्चर है या जो प्लांट दिखने में हेल्दी नहीं दिखता होगा, थोड़ा सा येलोइंग उसको आया हुआ है। तो येलोइंग है मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी खाना बनना चाहिए था फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट जो बनना चाहिए था, जो क्लोरोफिल कमी होने के कारण फोटोसिंथेसिस में नहीं बन पा रहा है। तो अभी आपको काड़ी मैच्योरिटी करने के लिए, जिस काड़ी के अंदर से आपको फीमेल फ्लावर बाहर लाना है, उसकी मैच्योरिटी लाने के लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे लेना पड़ेगा। तो ये जो स्प्रे है, ये स्प्रे आपको पानी बंद करने के बाद स्टार्ट करना है। जिस दिन आपने पानी बंद किया है उस दिन स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो आपको एक हफ्ते के इंटरवल से ये चार स्प्रे लेना है। उसमें पहला स्प्रे आपको लेना है 0.5534 5 ग्राम पर लीटर। 0.5534 ये सबको पता है कि मोनोपोटेशियम फॉस्फेट जो 25 किलो का बैग आता है उसी से आप ले लीजिए। 1 kg पैकिंग लाने की जरूरत नहीं होती है, सब एक सरीका ही होता है, ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 0.5534 5 ग्राम प्रति लीटर आपको लेना है, जो अजय खटकाले जो है उनके यहाँ पे मैं गया था अभी उनके खेत में, उन्होंने जो बिल दिया था 100 rupees kg 110 rupees kg 0.5534 आता है, लेकिन उन्होंने 200 rupees kg का 1 kg का पैकेट लाया था, डबल पैसे अपने जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कटिंग करना है तो कहाँ कहाँ करना है, ये भी मैं आपको ये पे बता रहा हूँ। तो 0.5534 का स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद एक हफ्ता बाद आपको 13.045 पोटेशियम नाइट्रेट आपको लेना है 5 ग्राम। उसके अंदर आपको लेना है चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम आपको लेना है। उसके बाद वापस एक हफ्ते के बाद आपको लेना है 0.5534 5 ग्राम पर लीटर, 0.5534 5 ग्राम पर लीटर, और वापस एक हफ्ते बाद आपको 13.045 5 ग्राम प्लस चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम लेना है। जो चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट EDTA फॉर्म वाले होंगे, EDTA फॉर्म जो आता है उसी के आप ले लीजिए, अमाइनो एसिड बेस वो मत लीजिए, ठीक है। तो आपको ये चार स्प्रे करना है, 2 स्प्रे 0.5534 के और 2 स्प्रे 13.045 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट के, इतने स्प्रे आपको यहाँ पे करने हैं। अभी ये स्प्रे करने के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ पे ब्लैक मिट्टी में बारिश आएगी और आपके यहाँ पे स्ट्रेस नहीं बैठेगा तो ही आपको 0.050 के 3 स्प्रे करना है। अगर स्ट्रेस नहीं बैठेगा तो चाहिए उतने स्ट्रेस पीरियड से डबल स्ट्रेस पीरियड इस साल आपको चाहिए, डबल स्ट्रेस पीरियड आपको चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा है आपकी मिट्टी में, पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। अगर नेचुरल स्ट्रेस पौधों में नहीं आएगा तो आपको 0.050 के 3 स्प्रे करना है। 0.050 का पहला स्प्रे आपको 10 ग्राम पर लीटर से करना है, सेकेंड स्प्रे आपको 15 ग्राम प्रति लीटर से करना है, थर्ड स्प्रे आपको 20 ग्राम प्रति लीटर से करना है। ये ओवर डोज हम देते हैं क्योंकि पत्तों में काळोखी जिसे बोलते हैं या डार्क ग्रीन कलर आना जिसे बोलते हैं वो आ जाएगा, और 4 दिन के बाद, ये 3 स्प्रे का इंटरवल 4-4 दिन का है, और 4 दिन के बाद आपको 0.5534 5 ग्राम प्लस इथ्रेल 2 ml ये स्प्रे ले लेने का है। अगर स्ट्रेस नहीं बैठता है तो, नेचुरल स्ट्रेस अगर आपके पौधों में नहीं आएगा तो ये काम आपको करना है। अगर नेचुरल स्ट्रेस आएगा तो 0.050 के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल स्ट्रेस कितना परसेंट है वो हिसाब से आपको इथ्रेल का डोज लेना है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे, अच्छी तरह से सुन लीजिए, अगर आपके यहाँ पे मिट्टी में नमी है और हवा में भी नमी है, मतलब ह्यूमिडिटी है, तो आपको पहले इथ्रेल का स्प्रे लेना है, बाद में प्रूनिंग करना है। और अगर आपकी मिट्टी लाइट है, मुरुम वाली है, रेत वाली मिट्टी है, तो पहले आप, अगर नमी नहीं है और हवा भी अगर ड्राई है, बिल्कुल हवा में आर्द्रता नहीं है, तो आप पहले प्रूनिंग कर लीजिए, बाद में इथ्रेल का स्प्रे कर लीजिए। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आपने इथ्रेल का स्प्रे करना है तो अगर आपके मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा या हवा में मॉइस्चर रहेगा, प्रूनिंग अगर आप पहले करोगे
तो जो बर्ड्स है वो स्प्राउट होंगे, और जो बर्ड स्प्राउट होंगे उसके ऊपर अगर इथरेल गिरेगा तो फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। इसीलिए जमीन में नमी है, हवा में भी नमी है, तो आपको पहले इथरेल का स्प्रे करना, बाद में प्रूनिंग कर लेना। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। क्या दो तीन लोगों ने लिखा कि आवाज नहीं आ रही है करके? ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ, तो नमी अगर है तो आपको पहले इत्रेल करना है, नमी अगर नहीं है तो पहले प्रूनिंग करना है, इतना आसान है। क्लियर? अभी अभी आपके खेत में कितना परसेंट नेचुरल डिफोलेशन है वो हिसाब से आपको इत्रेल लेना है। इथ्रेल ये एक संजीवक है, एक हार्मोन है। इसका एक्सेस यूज अगर आप करोगे और ऊपर की जो ब्रांचेस है वो अगर जल जाएगी तो फीमेल फ्लावर निकालने के लिए तकलीफ देगा और आपका प्लांट ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा। तो जहां पे नेचुरल स्ट्रेस है वहां पे आपको कितना परसेंट पत्ते गिरे हैं वो हिसाब से इथ्रेल का स्प्रे लेना है। इथ्रेल आप जो भी बढ़िया कंपनी वो कंपनी का ले लीजिए, जो भी लेबल क्लेम वाला प्रोडक्ट है वो इथ्रेल है, इसलिए मैं इथ्रेल का नाम लेता हूं जो बायर कंपनी का आता है। क्लियर? तो अभी आपको कितना परसेंट आपके यहाँ पे डिफोलिएशन हुआ है वो हिसाब से इथ्रेल का स्प्रे लेना है। लेकिन अभी अगर अच्छे तरह से सुनिए, अभी अगर आपके खेत में मावा जिसे एफिड्स बोला जाता है, जो एक चिकना पदार्थ पत्तों के ऊपर डालेगा और उसी के ऊपर कभी कभी आपको ब्लैक कलर की सूटी मोल्ड दिखेगी, ब्लैक कलर की फंगस आपको ग्रो की हुई दिखेगी, ऐसी कंडीशन अगर है और डायरेक्ट अगर आप इथरेल स्प्रे करोगे तो इथरेल पत्तों से अंदर नहीं जाएगा, इथरेल पत्तों से अंदर नहीं जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी कि आपको बिल्कुल नहीं, 6B नहीं चलेगा। अभी खरडे जी, ये स्टेज में आपको डिटर्जेंट निर्मा या व्हील, जो भी डिटर्जेंट आपके पास होगा, 3 से लेके 5 ग्राम प्रति लीटर पानी और 1 एकड़ में 500-600 लीटर पानी स्प्रे करिए। जो पानी पत्तों के ऊपर से नीचे आएगा ऐसा स्प्रे होना चाहिए। तो वो जो सरफेस के ऊपर डस्ट है या ये चिकना पदार्थ है या ब्लैक सूटी मोल्ड है, जो भी होगा वो थोड़ा सा निकल जाएगा। और सेकेंड डे आप इथरेल का स्प्रे करिए ताकि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपके यहाँ पे अंदर के पत्ते गिरेंगे नहीं, और अंदर के पत्ते नहीं गिरेंगे तो आपको सब सेटिंग ऊपर होगी, जो समर में सनबर्न ज्यादा आएगा। तो अंदर अगर सेटिंग करना है तो अंदर के पत्ते गिरना चाहिए, वहां तक आपका इथरेल का सॉल्यूशन जाना चाहिए। और उसके ऊपर अगर चिकना पदार्थ है तो उसको पहले डिटर्जेंट से आप वॉश कर लीजिए और बाद में सेकेंड डे इथरेल का स्प्रे आप करवा लीजिए। तो अभी इथरेल का स्प्रे आपको कितने ML से लेना है, इसके लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिए हैं। ये मैंने बोल दिया है कि ऐसा पाउडरी मिल्ड्यू भी पत्तों के ऊपर आ सकता है, या जो ब्लैक सूटी मोल्ड की मैं बात कर रहा था, एफिड्स आने के बाद जो पत्तों के ऊपर चिपका चिपका पदार्थ होता है वो अगर है तो वहीं पे आपको ये लेना जरूरी है। तो अभी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर किए हैं परसेंटेज वाइज। शैम्पू भी चलेगा विठल रायकर जी। तो अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये 5 से 10% वाला प्लांट है, ये है आपका। हो सकता है नेटवर्क की वजह से एक आधी स्लाइड इधर उधर होगा, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिए, ताकि नीचे मैंने इथरेल का डोज भी वहीं पे दिया हुआ है। तो 5 से 10% वाला डिफोलेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ML पर लीटर इथेफोन का इस्तेमाल करना है, इथरेल का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से सुनिए, कभी भी कितना भी कम स्ट्रेस रहे 2 मिली से आगे आपको इथेफोन नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद 20% डिफोलिएशन आपको अगर है तो 1.5 ML से करना है, 40% अगर डिफोलिएशन है तो 1 ML से करना है, 60% अगर नेचुरल डिफोलिएशन है तो आपको ½ ML करना है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना कम, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना कम, और जितना कम स्ट्रेस उतना इथरेल का डोज ज्यादा, लेकिन 2 ML से ऊपर कभी भी नहीं जाना है। ग्रेप्स के अंदर लोग अभी 3-3, 4-4, 5-5 मिली इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे चलेगा, अनार के अंदर नहीं चलेगा। वो अगर छिलके को जलाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो ये एक प्रिकॉशन आपको लेना है। और 80% अगर नेचुरल डिफोलिएशन है तो आपको इथरेल का स्प्रे नहीं करना है, 0 ML इथरेल आपको लेना है।
और जब भी आप इथरेल का स्प्रे करोगे पानी में पहले 0:52:34 मोनोपोटेशियम फॉस्फेट जो होता है वो आपको 5 ग्राम पर लीटर लेके बाद में इसके अंदर इथरेल को मिक्स करना और स्प्रे आपको करना है। अगर स्टिकर डालने की जरूरत है, बारिश का सीजन है, तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। जिधर ज्यादा स्ट्रेस बैठा है उधर इथरेल का डोज कम रहेगा, जिधर कम स्ट्रेस बैठा है उधर इथरेल का डोज ज्यादा रहेगा। तो ये फोटो के ऊपर से आपको ये क्लियर होगा कि आगे जहां पे पत्ते ज्यादा है वही पे इथरेल ज्यादा लगेगा, इधर जहां पे डिफोलेशन अच्छा हुआ है वही पे कम लगेगा। इथरेल स्प्रे करने के बाद आपको ऐसे 20% पत्ते ऊपर रहने चाहिए, यही पत्ते आपको फीमेल फ्लावर देने के लिए मदद करेंगे, यही पत्ते ऊपर फीमेल फ्लावर देने के लिए मदद करेंगे। इथरेल मारने के बाद ऐसे पत्ते पीले होकर आपके गिरना चाहिए। तो जो भी प्रिकॉशन लेनी थी इथरेल स्प्रे करते समय वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि 0:34 मिक्स करना है, पहले 0:34 मिक्स करना है, प्रोपेनोफॉस या थायो यूरिया उसके अंदर मिक्स नहीं करना है। बारिश नहीं आएगी अभी इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इथरेल का पानी पत्तों के ऊपर सूखने के बाद 2 घंटे बारिश मिनिमम नहीं आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रीन पत्ते ही गिराएगा जिस पत्तों से आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा, ऊपर के जो भी पेल येलो कलर के पत्ते होते हैं वहां से आपको नहीं निकलेगा, ये गिराएगा नहीं, जहां से फीमेल फ्लावर भी नहीं निकलेगा। और ये एक है कि जो भी जितना स्ट्रेस है वो हिसाब से आपको लेना है। प्रूनिंग बिल्कुल लाइट करना है, हेवी प्रूनिंग इस साल नहीं करनी है क्योंकि जमीन में पानी है। हेवी प्रूनिंग करेंगे तो आपके यहाँ पे शूट ज्यादा निकलेंगे, 2 या 3 बार आपको शूट निकालने पड़ेंगे। ठंड इस बार ज्यादा है, फरवरी एंड तक ठंड रहेगी। ठंड अगर ज्यादा है, प्रूनिंग अगर डीप किया है, हार्ड किया है, तो शूट आने की संभावना ज्यादा रहेगी। आपके यहाँ पे टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, अच्छा स्ट्रेस प्लांट में नेचुरल होता है, उस टाइम आप हार्ड प्रूनिंग करोगे तो बड़े स्टेम के ऊपर आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा। लेकिन इस साल की कंडीशन वैसी नहीं है, इसीलिए डीप प्रूनिंग आपको नहीं करना है, शूट ज्यादा निकलेंगे। अगर शूट आएंगे भी तो शूट को रखिए मत, आपको शूट निकालने पड़ेंगे। जब भी वो 4 इंच से ऊपर जाएंगे उसको आपको प्लग करना पड़ेगा, प्लगिंग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कैंची से कट नहीं करना, हाथ से उसको उखाड़ना है। तो प्रूनिंग आपको जो करना है वो मैंने बिल्कुल बोला है, पौधा बिल्कुल खुला होना चाहिए, अंदर तक सनलाइट जाना चाहिए, जिस चौकी तक सनलाइट जाएगा वहां से फीमेल फ्लावर आएगा, इतना खुला पौधा आपको करना है। जो फोटोग्राफ्स में दिख रहा है आपको वही पौधा आपको करना है। बेसल डोज के लिए मैंने जो भी आपको ये दिया था कि आप रूट प्रूनिंग करवा लीजिए वगैरह, लेकिन अभी इतना टाइम आपके पास नहीं, इसलिए मैं मतलब अभी मीटिंग के लिए बोल रहा हूं। मैं जो पीरियड अभी 1 महीना ही आपके पास बचा हुआ है तो इसमें मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि अभी आप रूट प्रूनिंग कर लीजिए करके। फर्टिलाइजर देके पानी अभी आपको चालू करना है, पहला पानी देना है। प्रूनिंग हो गई आपकी, जो भी प्रूनिंग का मटेरियल है वो आपको बाहर लेके जलाना है, जो भी प्रूनिंग का इथरेल का स्प्रे करना है आपको, लेकिन अभी नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, यही मैं अभी यहीं पे बताऊंगा। पहला पानी आपका जाना चाहिए 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी से पहले अगर आप पानी देंगे, इस साल बहुत ज्यादा ठंड है, आपका फूल निकलने का टाइम और टेम्परेचर आपके यहाँ पे 10 डिग्री से नीचे रहेगा। 10 डिग्री से नीचे जब भी टेम्परेचर आपके यहाँ पे रहेगा आपको फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगा। निकलेगा भी तो जैसे ही फीमेल फ्लावर ओपन होगा वहीं पे मधुमक्खी चाहिए होगी, मधुमक्खी नहीं आएगी ये टेम्परेचर में, जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी चाहिए होती है। जब आपका फीमेल फ्लावर ओपन होता है 4 दिन के अंदर मधुमक्खी अगर वहीं पे, विजय जी मैंने जो शेड्यूल में बता रहा हूं निर्म्याचा स्प्रे फ्लावर सेट के बाद मैंने नहीं बोला है, अगर वहीं पे मारोगे तो तकलीफ करोगे, नहीं करना है। इथरेल से पहले इथरेल अंदर जाने के लिए मैंने बोला है, क्लियर। तो मधुमक्खी अगर नहीं जाएगी 4 दिन तो वो 100% ड्रॉप हो जाएगा, 100% ड्रॉप हो जाएगा। और जो चौकी आपकी बनेगी उसको सनलाइट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिनों में आपका सबसे कम सनलाइट देने वाले दिन होते हैं। सुबह सुबह फॉग भी होता है, झाकड़ जिसे हम बोलते हैं, फॉग होता है, इसलिए सनलाइट बहुत कम आता है और टेम्परेचर भी कम होता है।
इसीलिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर रहेगा तब आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है 15 जनवरी के बाद आपको पहला पानी देना है, ताकि आपका फीमेल फ्लावर जब 25 दिन 30 दिन ठंड के अंदर एक महीने के अंदर आपको फीमेल फ्लावर दिखेगा, उस टाइम आपका टेम्परेचर संक्रांत भी हो जाएगी और दिन भी बड़ा हो जाएगा। फरवरी मिडल तक आपका टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होना चालू होगा, जितना जनवरी में रहेगा उतना आपका आगे नहीं रहेगा और फिर आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा और सेटिंग होगा और वही गार्डन आपका जुलाई अगस्त में सेट हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा। उससे पहले अगर आपका हार्वेस्टिंग आएगा तो आपको कलर ऊपर भी नहीं आएगा और अंदर दाने सफेद रहेंगे। आप सबको पता है अप्रैल मई और जून में जिनका हार्वेस्टिंग आता है उनके दाने अंदर से सफेद हो जाते हैं, लाल कलर के नहीं होते, क्योंकि समर में उनका हार्वेस्टिंग आ जाता है, समर में उनका हार्वेस्टिंग आ जाता है। तो उस टाइम जो कम ह्यूमिडिटी होती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो कलर लाने वाला जो पिगमेंट होता है, जो तो एंथोसाइनिन बोलते हैं, वो तैयार नहीं होता है और कुछ भी स्प्रे करिए आप, वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, नहीं देगा। तो ये भी प्रिकॉशन आपको यही पे करना है। अभी आपको पहला पानी देना है, पहला पानी कितना देना है, आपका जो भी रूट बाउल है ये रूट बाउल में ये पूरा जाना चाहिए। रूट बाउल पूरा गीला होने के लिए कितना घंटे पानी चलाना है ये आपको पता है। मैं बोल सकता हूं कि 1.5-2.5 फीट तक ये पूरा एरिया आपका गीला होना चाहिए, ताकि सभी पहला पानी अगर आप कम दोगे तो ऊपर वाले जो इमेच्योर कारी जो है उसी के बड स्प्राउट होके वहां पे ही आपको सेटिंग मिलेगी। लेकिन पहला पानी अगर आपने स्टोरेज स्टेज में अगर अच्छा काम किया है, फर्टिलाइजर दिया हुआ है, तो अगर पहला पानी ज्यादा देंगे तो बड़ी जो ब्रांचेस होती है, स्टेम होते हैं, उसी से भी बड स्प्राउट हो जाएंगे और वहां से आपको फीमेल फ्लावर बाहर आएगा। इसीलिए पहले पानी देते समय ये प्रिकॉशन आपको लेना है। पहले पानी के साथ में आपको क्या क्या देना है, पहले पानी के साथ में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देना है, आजोटोबैक्टर, पीएसबी और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया पहले दे दीजिए। बिल्कुल नहीं अनिकेत जी, अभी पहला पानी ये दिनों में फ्लड नहीं देना है। अगर मार्च में और अप्रैल में अगर पहला पानी आपको देना है, उस टाइम आप सिर्फ फ्लड इरिगेट कर सकते हो, इस दिनों में नहीं, सिर्फ ड्रिप से पानी देना है आपको, अदरवाइज आपके यहाँ पे शूट ज्यादा निकलेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम कम है इसलिए क्वेश्चन आंसर अपन बाद में ले लेंगे, बीच में मत पूछिए। तो पहले आपको अजोटोबैक्टर, पीएसबी और पोटेश मोबिलाइजिंग 3 मिली प्रति पौधा देना है। कितने वॉल में कितने पौधे है वो हिसाब से आप उसको दे दीजिए। उसके बाद रूट डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पहले पानी में जितना ज्यादा व्हाइट रूट डेवलप होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हाइट रूट आपका फॉस्फरस और पोटैश ये दो फर्टिलाइजर ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि फॉस्फरस और पोटैश जाएगा तो ही आप नाइट्रोजन कम कर सकते हो, और नाइट्रोजन कम होना चाहिए नहीं तो शूट ज्यादा आएंगे। और जब फॉस्फरस और पोटैश ऊपर जाएगा, जो भी आपने पहले डाला है या फिर अभी आप वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर से दे रहे हो, ये अगर ऊपर लेके जाना है तो आपको व्हाइट रूट होना बहुत ही जरूरी है। तो वो व्हाइट रूट के लिए आपको जो भी आप ह्यूमिक एसिड या जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो इसका आप इस्तेमाल करिए। और मैंने सबसे पहले आपको बोला था माइकोक्सोल 4G करके जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में वैम है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, 200 ग्राम पानी में घोल के 1 एकड़ में जो आपको 300-400 पौधे होंगे, इसी को आपको ये पहले पानी के साथ में देना है। क्योंकि ये जैसे ही जमीन के अंदर जाएगी और पहला पानी देने के बाद जैसे आपका रूट बाहर आएगा, ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा वो रूट्स के ऊपर ग्रो होना चालू करेगी। प्लांट जो भी उसको नहीं चाहिए वो चीजें जमीन के अंदर छोड़ देता है, उसके ऊपर ये फंगस ग्रो करती है, और जो चीज आपके पौधों को चाहिए वो मिट्टी से लेके पौधों को अवेलेबल कर देती है। और जो भी आपके हार्मफुल पैथोजन है वहीं पे, फ्यूजेरियम जैसे या निमेटोड जैसे, उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि माइकोराइजा बहुत ही फास्ट ग्रो होती है आपकी मिट्टी के अंदर, तो बाकी लोगों को ये ग्रो होने नहीं देती है। तो माइकोक्सोल करके जो प्रोडक्ट है प्रिवी कंपनी का, 200 ग्राम आप पहले पानी के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आपको पानी देना है और बाद में आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालना है। केमिकल फर्टिलाइजर में आपको फॉस्फोरस और पोटेश वाले जो फर्टिलाइजर है वाटर सोल्युबल, उसी को ही देना है। आप 0.5234 दे सकते हो या 0.6020 दे सकते हो। 10-15 ग्राम प्रति पौधा आप इसका इस्तेमाल करिए। और चिलेटेड जिंक आपको यहाँ पे देना है 1-1.5 ग्राम प्रति पौधा। तो इसको मिक्स करके आप दे दीजिए।
इसी से आपका कोई भी बैक्टीरिया या माइकोब्सॉर्ब नहीं मरेगा, क्योंकि वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हम इतने पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके डालते हैं कि इसका कुछ भी असर नहीं होगा। सिर्फ जब भी माइकोब्सॉर्ब या कोई भी बैक्टीरिया आप मिट्टी में डालोगे तो उसके बाद आपका कॉपर नहीं जाना चाहिए, या कोई भी एसिड है जो फॉस्फोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड का आप इस्तेमाल करते हो, यह हायर कॉन्सेंट्रेशन में नहीं जाना चाहिए। वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं होते, सिर्फ उसके पानी में उसको डायरेक्ट मिक्स करके रखिए मत। मिक्स करके दिया तो भी चलेगा, लेकिन रखिए मत दो चार दिनों के लिए, क्लियर? तो आप उसको दे दीजिए, बाद में थोड़ा सा पानी देके आपको पानी बंद करना है, जो कि आपका जो भी रूट बाउल है उसके अंदर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोब्सॉर्ब और ये जो न्यूट्रिएंट है, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट का पैकेज वहीं पे रहेगा, रूट डेवलपमेंट बढ़िया होगा और वो ऊपर लेके जाएगा। अभी एक चीज सबके खेत में जो आ रही है, एक चीज जो सबके खेत में आ रही है वो है निमेटोड। ये सब हमने कर लिया, माइकोब्सॉर्ब भी है, सब कुछ है, लेकिन जो भी निमेटोड बाहर आएगा, रूट बाहर आएगा, उसके ऊपर ये निमेटोड जाएगा और निमेटोड जाएगा तो गाठे बना लेगा। तो अगर आपके खेत में निमेटोड ज्यादा है तो आपको निमेटोड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी बेस्ट केमिकल मार्केट में अवेलेबल है निमेटोड्स के लिए, उसका इस्तेमाल करके आप निमेटोड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर विलियम प्राइम एक बायर कंपनी का है और आदामा का निमिट्स नाम से आता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पानी देने के बाद आपको पानी कितना देना है। जब तक आपका सेटिंग नहीं होता तब तक आपके पौधों में पानी कम चाहिए, पौधा मरना भी नहीं चाहिए और ज्यादा भागना भी नहीं चाहिए, ऐसे पानी आपको देना है। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकालने के लिए तकलीफ होगी, शूट ज्यादा चलेंगे या फीमेल फ्लावर की ड्रॉपिंग भी होती है, जो ऑलरेडी हमने बारिश के सीजन में देखा गया है। ज्यादा बारिश होती थी तो पूरा का पूरा ड्रॉपिंग हो जाता था। तो गलती से भी आपको ज्यादा पानी नहीं देना है, ये एक आपको काम करना है। तो ये जो स्प्राउटिंग है, ये स्प्राउटिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है और कहां से आपको फीमेल फ्लावर निकल रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से देखना है, ये अच्छी तरह से आपको देखना है। यहाँ पे आप फीमेल फ्लावर अगर अंदर है और उसको अगर बढ़िया क्वालिटी से अगर आपको बाहर निकालना है तो यहाँ पे आप पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हो। अमाइनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट प्रिवी कंपनी के पास भी एक है, एम्पलीफाइव इसका नाम है, वो भी आप 2 ml पर लीटर लेके स्प्रे कर सकते हो, जिससे फीमेल फ्लावर अच्छा क्वालिटी का बाहर आएगा। जब भी फ्लावर बड आपको दिखेगा उस टाइम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अलग अलग डिजीज आएगा, अलग अलग डिजीज आएगा तो वो डिजीज कंट्रोल करने के लिए आपको फंजीसाइड का स्प्रे लेना पड़ेगा, और जो भी कीटक आएगा वो कीटक कंट्रोल करने के लिए आपको कीटनाशक जिसे इंसेक्टिसाइड बोलते हैं उसका भी स्प्रे लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड से फंजीसाइड और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, ये जो पेस्टिसाइड से इनका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इस टाइप पे ये भी ध्यान लेना है कि आपके यहाँ पे जो भी मधुमक्खी है वो मरनी नहीं चाहिए, ये मरनी नहीं चाहिए। और सेकेंड चीज होती है कि इस स्टेज में फीमेल फ्लावर की क्वालिटी अगर आपको बढ़िया निकालनी है, बढ़िया निकालनी है, और सकिंग पेस्ट से अगर आपके पौधों को बचाना है, सकिंग पेस्ट से अगर आपके पौधों को बचाना है, फंगल अटैक या बैक्टीरियल अटैक से भी अगर बचाना है, और क्लाइमेट में जो वेरिएशन होता है, रात का टेम्परेचर कम है दिन का टेम्परेचर ज्यादा है, या सुबह सडन टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो ड्रॉपिंग आपके यहाँ पे होती है, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रिवी कंपनी के पास है जिसका नाम है सिलिक्सॉल, जिसके अंदर सिलिकॉन है जो अर्थोसिलिक्सिक एसिड के माध्यम से आपको मिलेगा। इसका स्प्रे आप पौधों के ऊपर ले लीजिए, 2 या 3 स्प्रे अगर आपके फ्लावरिंग स्टेज में होगा तो डिजीज भी कम आएगा, जो भी सकिंग पेस्ट इसका अटैक भी आप कम कर सकते हो, और जो भी क्लाइमेटिक वेरिएशन हो जाएगा उसकी वजह से जो आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा ये भी शिकायत आपको नहीं रहेगी। और सिलिकॉन एक न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट अगर पौधों में मिलेगा तो पत्ते आपके बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, और डार्क ग्रीन कलर विथ शाइनिंग वो पत्ते बनेंगे, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस, कम सनलाइट भी अगर मिलता है तो वो कम सनलाइट में भी अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा और आपका जो फीमेल फ्लावर है वो क्वालिटी का निकलेगा। सिलिकॉन अगर पौधों में मिलता है तो निकलने वाला जो फीमेल फ्लावर है उसकी क्वालिटी हमेशा आपको अच्छी मिलेगी, आपको अच्छी मिलेगी, लंबी मिलेगी, और जो सेटिंग आपका लंबा होगा वो फल आपका साइज देगा। तो इसके लिए आपको 2 या 3 स्प्रे, क्लाइमेटिक कंडीशन कितनी वर्स्ट होती है वो हिसाब से
जब तक सेटिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको सिलिक्सॉल के 2 या 3 स्प्रे लेना है 10 दिन के इंटरवल से। 10 दिन के इंटरवल से पहला स्प्रे आप 20 दिन के आसपास ले सकते हो, 20वां दिन, 30वां दिन और 40वां दिन, ऐसे आप ये स्प्रे लेके सेटिंग आपकी कंप्लीट करेंगे तो बढ़िया क्वालिटी की सेटिंग आपको मिलेगी। ये जो सिलिक्सॉल प्रोडक्ट है आगे भी आपको काम में आएगा, जब भी आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट आने का संभावना होगा, अगर आपने एनआरसीपी का रिकमेंडेशन देखा होगा तो उसके अंदर सिलिकॉन का स्प्रे रिकमेंड किया गया है। जो सिलिकॉन आप स्प्रे करोगे तो आपका जो पौधों का सेल्स होता है ये सेल्स को वो अच्छा बना लेता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया जंतुमोनस ऑक्सिनोपोडिस नामक जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जब अंदर एंट्री करेगा तो वो उसको प्रिवेंट करेगा कुछ हद तक। मैं 100% इसको जैसे तेले आएगा ना ऐसी बात कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन जब वर्स्ट कंडीशन होती है तो कुछ हद तक आपको बैक्टीरियल ब्लाइट को रोकने के लिए भी ये सिलिक्सॉल काम आएगा। अगर आपको इसको 250 ml पर एकड़, जो भी पानी आपको 150-200 लीटर पानी लगता है उसी में आप 250 ml डालोगे तो ये आपको बैक्टीरियल ब्लाइट आने के लिए भी कम करेगा। तो अभी ये फ्लावरिंग स्टेज में आपको ये फ्लावर की क्वालिटी अच्छी लाने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम और बोरान, कैल्शियम और बोरान। और कैल्शियम और बोरान आप कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में भी दे सकते हो, चिलेटेड कैल्शियम के रूप में भी दे सकते हो, या फिर अभी मार्केट में कैल्शियम प्लस बोरान एक साथ में प्रोडक्ट आए हुए हैं जिसके अंदर से आपको कैल्शियम भी मिलेगा और जिसके अंदर से आपको बोरान भी मिलेगा। तो 15th डे, 25th डे और 35th डे, ये जो आपका 10-10 दिन के इंटरवल से जो मेरा रिकमेंडेशन कैल्शियम और बोरान का है, ये स्टेज में आप प्रीवी कंपनी का कैल्सी बी करके एक प्रोडक्ट आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो 1.5 ग्राम से, 1.5 ग्राम पर लीटर अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो अलग से कैल्शियम और बोरान देने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो कैल्शियम बोरान मिलेगा, उसी से आपको फीमेल फ्लावर भी अच्छा आएगा। अभी रही बात आपका फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की, प्रीवी कंपनी के पास कोई भी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं है। आपको जो भी फंगल अटैक आते हैं, जो भी फंगल अटैक आएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर आप बेयर कंपनी का नटियो का इस्तेमाल कर सकते हो 0.6 ग्राम पर लीटर, या फॉलिक्यूर प्लस एंट्रोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉलिक्यूर 1 ml, एंट्रोकॉल 2-2.5 ग्राम पर लीटर ले सकते हो। इसके बाद आप लस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो जो धनुका कंपनी का आता है, 2 ml पर लीटर। उसके बाद आप कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हो जो आदमा कंपनी का आता है, 1 ml पर लीटर। ऐसे जो भी स्कोर और कवच है, स्कोर 0.5 ml, कवच 2 ग्राम से आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी इस डिजीज के लिए चलने वाले जो फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेज में इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक तो दाग भी आएंगे, और जो चौकी होती है वो चौकी का सबसे छोटा वाला पत्ता पीला होके जो निकलने वाला फीमेल फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको है कि फंजीसाइड के स्प्रे आपको करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे झाकड़ आता है, फॉग आता है, धुक जिसे मराठी में बोलते हैं, वो अगर आता है तो फंजीसाइड के स्प्रे आपको लेना पड़ेगा। और ये चीज आपको याद रखना है कि हार्वेस्टिंग के पहले 15 दिन अगर आपके यहाँ पे कुछ फल नीचे गिरते हैं और उसको अगर खोल के देखते हैं तो अंदर काला होता है, ये जो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा नामक फंगस है, ये फंगस जब भी आपका फीमेल फ्लावर ओपन होगा उसी टाइम एंट्री करती है, और उसके जो सिम्टम्स है जब शुगर बनना चालू हो जाता है फलों के अंदर उस टाइम वो दिखाती है। कभी कभी ये फल जो है ये आपका ग्रेडर हाथ में लेता है और वो फेंक देता है। हम बोलते हैं इतना 500 ग्राम का फल क्यों फेंक रहा है, तो वो बोलता है अंदर से मुक्का है, जब खोल के देखते हैं तो वो अंदर खराब है। तो ये चीज उस टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि छिलका बिल्कुल बढ़िया रहता है वो फल का, कुछ भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं, लेकिन अंदर देखेंगे तो खराब होता है, मुक्का होता है, उसका वेट भी कम होता है। तो आपको ये शिकायत नहीं आना चाहिए, इसीलिए अभी ये जो फंजीसाइड मैंने आपको बोले है इसी फंजीसाइड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अभी आपको कीटक भी आएंगे, एपिड्स आएगा, थ्रिप्स आएगा, मिलीबग आएगा, जो भी आपके यहाँ पे आएगा उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इल्ली आने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब ठंड होती है, लेकिन ठंड के दिनों में अगर बादल आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो इल्ली भी आएगी और इल्ली भी आपके फ्लावर्स खा जाएगी, तो उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। ये सब इंसेक्ट अगर आएंगे तो आप जो भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे वो आपके मधुमक्खी के लिए सेफ होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल्स में आप वर्टिसिलियम प्लस बिवेरिया इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर बादल है, ह्यूमिडिटी है तो ये काम करेगा।
अगर आपके पास नीम और करंज ऑयल अवेलेबल है या मार्केट में जो भी फॉर्मुलेशन नीम और करंज ऑयल के मिलते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो मधुमक्खी के लिए और नेचुरल एनिमीज के लिए सेफ रहेगा। और थर्ड, आप केमिकल इंसेक्टिसाइड में जा सकते हो जो हनीबी के लिए सेफ रहेगा। उसमें मोवेंटो ओडी करके एक बायर कंपनी का है जो आप 1 ml से ले सकते हो। सेकेंड प्रोडक्ट बेल्ट एक्सपर्ट है जो थ्रिप्स और आपका इली को भी मारेगा, वो आप 0.5 ml से ले सकते हो प्रति लीटर पानी। और अगर आपको रिकमेंडेड लेबल क्लेम वाला प्रोडक्ट अगर यूज करना है तो वो आप बेनिविया भी यूज कर सकते हो। जब छोटा फ्लावर बर्ड निकलेगा उस स्टेज में पहला स्प्रे, और जब फीमेल फ्लावर ओपन होगा उस स्टेज में सेकेंड स्प्रे। दो स्प्रे आपको बेनिविया के लेना पड़ेगा, बैक टू बैक एप्लीकेशन है। और प्रति एकड़ जितना भी पानी आपके खेत में जाएगा उसको 360 ml पर एकड़ इसका डोज रहेगा। स्टिकर भी उसके अंदर नहीं डालना है, कुछ भी कॉम्बिनेशन उसके अंदर मत लीजिए। सभी प्रकार के इंसेक्ट मिलीबग छोड़ के जो भी पोमोग्रेनेट को फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं ये सब कंट्रोल हो जाएगा, क्वालिटी भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है बेनिविया, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपको फ्लावरिंग स्टेज में फाइनल करना पड़ेगा। सभी स्प्रे आपके शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं तो बोलता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग भी मत करिए, शाम को करिए, ताकि मधुमक्खी घर पे जाएगी और आपका स्प्रे हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लीजिए। इंसेक्ट आने के बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए, और क्लाइमेटिक कंडीशन खराब है तो फंजीसाइड का स्प्रे आप ले लीजिए। ऐसे आपको पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब भी आपका ग्रीन फ्रूट स्टेज चलेगा, जो भी हवामान तज्ञ है जो बता रहे हैं कि हर 15 दिन में आपको बारिश आने की संभावना रहेगी, जब ग्रीन फ्रूट स्टेज में आपका बगीचा जाएगा उस स्टेज में आपको सबसे ज्यादा केयर करना पड़ेगा बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। जो भी तिलकट दाग होता है या तेलिया जिसे बोलते हैं उसका अटैक आ सकता है, तो वो अटैक नहीं आना चाहिए। इसीलिए पहले ही मैंने बोल दिया आपको कि आप सिलिक जॉल के स्प्रे ले सकते हो 15 दिन के इंटरवल से, जब भी क्लाइमेट खराब होगा तो वो एक आपको मदद करेगा। और प्रीवी कंपनी के पास दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव पॉलीमराइज फॉस्फरस है जो न्यूट्रीफाइट नाम से मिलता है। उसका डोज आप 3 से 4 ग्राम पर लीटर लेना है। इसका डोज आप अंडरडोज मत करिए, बहुत सारे लोग इसको 2 ग्राम से लेते हैं। 2 ग्राम से रिजल्ट जो मिलता है उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट 3-3.5 ग्राम में अच्छा मिलता है। तो अच्छा ही रिजल्ट लेना है तो इसको अंडरडोज मत करिए। ये जो फॉस्फेट और पोटैश प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर ऐसा ट्रिगर, एक सिस्टम में ऐसा ट्रिगर सेट करेगा कि आपके प्लांट के अंदर जो भी बैक्टीरिया एंट्री करेगा उसको नेचुरली वो कंट्रोल करेगा, उसका जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा, और वो बैक्टीरिया से आपके प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ा के कंट्रोल करेगा। तो ये प्रोडक्ट को भी आपको इस्तेमाल करना है जब भी बैक्टीरियल ब्लाइट का आने की संभावना होगी। और ये बैक्टीरिया को ही नहीं, बाकी फंगस को भी काम करता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसी को भी आपको 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके स्प्रे करना है जब भी आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट की कंडीशन रहेगी तब। तो इस तरीके से अगर आप ये बहार को मैनेज करेंगे तो आपको ये बहार में सेटिंग भी अच्छा होगा, और जो भी समर में बारिश आने की संभावना रहेगी या जो भी है तो वही पे आपको बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। नो डाउट कि आपको एंटीबायोटिक और कॉपर के स्प्रे जो है वो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके स्प्रे कम करना या प्लांट के अंदर एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बिल्टअप करना, इसके लिए आपको ये काम करना जरूरी पड़ेगा। जैसे कि न्यूट्रीफाइट है या सिलिक जॉल है, इसके स्प्रे अगर आप करोगे तो इससे भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम हुआ है, आप भी बोर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं अभी जितना मुझे बताना था आज का जो बाहर मैनेजमेंट सेटिंग तक का उतना मैंने बोल दिया है। अभी प्रीवी के कोई भी अगर ऑफिसर बोलना चाहते हैं तो वो बोलेंगे, उसके बाद मैं वापस जो भी आपके प्रश्न होंगे वो प्रश्न के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। हाँ सर, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है तो डायरेक्ट मैं ले लूं? हाँ सर ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा स्पीड क्वेश्चन का ज्यादा है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सबको रिप्लाई देना है। मैं शुरू से वापस नीचे आ रहा हूँ
फ्लावर सेट झाले असतील तर निर्म्याचा स्प्रे लेना है क्या, यहां मैं रुका था, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। सॉरी तो बिल्कुल नहीं, मैंने स्टोरेज स्टेज खत्म हुई है, स्ट्रेस स्टेज के अंदर जब इथिल का स्प्रे करना है उस टाइम बोला है, गलत मत लीजिए। ऑर्गेनिक कल्चर सांगितले नाही, ऑर्गेनिक कल्चर अभी आप बनाएंगे कब और डालेंगे कब, अगर ऑर्गेनिक कल्चर आप डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, डाला तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पानी दिले दूसरे पानी कभी दिया वे कृष्णा जी, अगर अभी आपने पहला पानी दिया है मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता, आपके यहाँ पे शूट भी आएंगे और चौकी भी आएंगे लेकिन फीमेल फ्लावर निकालने के लिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन अभी जो रिवॉल्वर से आपकी गोली गोली जो है वो निकल गई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो जब जैसे मैंने बोला कि आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे कितना मॉइस्चर रहेगा वो हिसाब से देख लीजिए। संदीप खरसे जी आपने क्या पूछा सर, 15 जनवरी मध्य गर्दी हुई, देख लीजिए 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक आपको 2 महीने मिलते हैं, तो सबने वो देखना है। और फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन में ऊपर ही दिया है कि जब भी आप डिफोलिएशन करोगे तो वहीं पे जाके अपडेट करिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन से महीने में कितना पोमोग्रेनेट हार्वेस्टिंग को आने वाला है, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मत करिए, उसके बाद करिए, ये मैंने बोला हुआ है। संदीप जी रेट के बारे में तो कोई नहीं बोल सकता कि क्या रेट रहेगा। केदारी जी लोग आपसे आप हो तो प्रूनिंग अगर आपकी हुई है और नए शूट अगर निकल रहे तो ब्लैक मिट्टी आपकी होगी, पानी अगर उसके अंदर है तो ये शूट निकलेगा ही, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े वो शूट को निकाल दीजिए, क्योंकि जो सुबह का ओस है वो ओस आके भी आपके यहाँ पे शूट निकलेंगे या स्प्राउटिंग हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते अभी, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं हेमंत जी, हेमंत इंगले जी, अभी आपको इथ्रेल मारने से पहले पानी नहीं देना है, जब आप इथ्रेल का स्प्रे मई में करते हो और पानी बिल्कुल मिट्टी में नहीं होता है उस टाइम पहले पानी दे के आपको स्प्रे करना पड़ता है, ताकि पौधा सूखा हुआ रहता है तो इथ्रेल का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसीलिए पहले आपको पानी देना पड़ता है, पत्ते को फ्रेश करना पड़ता है और सेकेंड या थर्ड डे आपको इथ्रेल का स्प्रे लेना पड़ता है, ये दिनों में नहीं। यह सल्फर आप दे सकते हो, वाटर सोल्यूबल आप नाइट्रोजन छोड़ के कुछ भी दे सकते हो कृष्णा जी। अगर 20 दिसंबर को आपने पहले पानी देना था लेकिन अभी तक आपने नहीं दिया, 16 दिसंबर को आपने प्रूनिंग किया है, इथ्रेल 20 तारीख को है, पहले पानी जितना आप लेट कर सकते हो जी लेट करिए। विशाल लोखंडे जी अभी मत करिए, थोड़ा सा ठंड जाने दीजिए, फ्लड इरिगेशन आपको नहीं देना है। 28/8 को आपने इथ्रेल का स्प्रे मारा है, आपकी सेटिंग अभी तक नहीं हुई होंगी शायद ही, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से सेटिंग किसी का भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूं कि थोड़ा लेट जाइए, थोड़ा लेट जाइए। फ्रूट अगर अंदर से डैमेज हो रहा है तो मैंने जो अल्टरनेरिया का आपको बोला है वो होगा, तो उसी को वहीं पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप। सॉरी आपका नंबर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरा नंबर मांग रहे हो, मैं मेरा नंबर ओपन कभी भी नहीं देता हूं, जो भी एडवांस ट्रेनिंग मेरा करता है 10 दिन 50 घंटे मेरे सामने बैठता है उनको ही मैं मेरा नंबर देता हूं, उनके भी फोन में नहीं उठा पाता हूं, इतना बिजी हूं, खेती और पूरा ये काम भी मुझे करना पड़ता है, तो आप मुझे गाली देंगे फोन नहीं उठाया तो, इसलिए मैं नंबर नहीं देता हूं। लेकिन मैं एक नंबर मेरे टीम का आपको ऑफिस का नंबर जो है वो नंबर मैं आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो नंबर में चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसी नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिनको लिखना है लिख लीजिए 9767633777, ये मिस्टर विनायक का नंबर है, आप ये नंबर को इस्तेमाल कर सकते हो अगर मेरे पास आपको पहुंचना है तो। सुधीर मुळे जी आपने पहले पानी दिया है अभी, लेकिन सेटिंग होना इंपॉर्टेंट है, सेटिंग होगी फल सेट होगा उसके बाद आपके यहाँ पे दाग आएंगे, जून में जो दाग आते हैं वो दाग को डर के अगर आप यही पे ये कर रहे हो तो थोड़ा सा सेटिंग के लिए आपको दिक्कत होगी। कोलोटोट्रिकम के लिए मकानी जी आप स्कोर कवच का स्प्रे ले सकते हो या नटीओ का स्प्रे ले सकते हो, लस्टर का स्प्रे ले सकते हो, ये जो भी स्प्रे मैंने आपको बोले वो स्प्रे ले सकते हो, लेकिन
कोलोटोट्रिकम अगर पाकड़ी करपा आपकी इधर आ रहा है तो नीचे देख लीजिए, ब्लैक मिट्टी अगर है, रूट डेवलपमेंट अच्छी नहीं, तो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। यस, 15 जनवरी को किशोर पटेल जी अगर आपको करना है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सेटिंग अच्छी मिलेगी। किस टाइम पे किस खाद, और अभी देख लीजिए किशोर भाई जी, इतना अगर शेड्यूल में पूरा साल का देते बैठूंगा तो वो मीटिंग नहीं होगी, वो ट्रेनिंग होगा, इतना लंबा तक वो चलेगा कि कौन से स्टेज में क्या फर्टिलाइजर चाहिए होता है और क्या देना है, तो वो यही पे संभव नहीं है, तो मैं यही पे आपको नहीं हेल्प कर सकता उसके बारे में। आगे आपका जो भी प्रश्न है, इथ्रेंस पे केला आणि आज प्रूनिंग, तर पहिले पानी, अभी आप 10-12 दिन के बाद पहला पानी दे दीजिए, जब तक आपका नया स्प्राउटिंग नहीं आता तब तक आपको रुकना है, तब तक पानी नहीं देना है। यस, दत्तात्रेय जी आपने बहुत बढ़िया लिखा है कि 90% वाला जो भी आप सल्फर इस्तेमाल करते हो ये माइक्रोब्स को मारेगा क्या? अगर इसको डाइल्यूट करके आप मिट्टी में एज ए फर्टिलाइजर डालोगे तो ये नहीं मारेगा, लेकिन अगर आप 80% वाला सल्फर डस्ट पर एकर 100 kg 150 kg जो अप्लाई करेंगे उससे 100% आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तकलीफ होती है, मरते हैं। ठीक है, अभी फ्लावर्स है और गारो का रोग है। किशोर भाई मुझे पता नहीं ये गारो रोग क्या होता है, अगर थोड़ा सा आप इलोबरेट करके बताएंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कि क्या स्प्रे लेना है आपको। सर बाग सद्या तान अवस्थित है, ऑर्गेनिक कल्चर पानगळ घेतल्या केले तर चालेल? ओके ठीक है, ऑर्गेनिक कल्चर आप पहले पानी से पहले डाल दीजिए। ऑर्गेनिक कल्चर क्या होता है, बाकी लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कल्चर क्या होता है, जिन्होंने ऑर्गेनिक कल्चर मेरे से सीखा है ट्रेनिंग में वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर जाके 45 मिनट्स का मेरा वीडियो है ऑर्गेनिक कल्चर का, मैं अनार की संजीवनी जिसे बोलता हूँ वो ऑर्गेनिक कल्चर है। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करने का एक तरीका मैं बताता हूँ, उसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, प्रीवी के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे सर, ऑनलाइन भी उपलब्ध है क्या? राजबीर सिंह जी हाँ, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी आपने जब ट्रेनिंग लिया था और सिलिक जॉल अपने शेड्यूल में था, तो आपने देविदास सर से भी बहुत बात किया कि कहाँ अवेलेबल होगा, तो मैं प्रीवी के स्टाफ को थोड़ा सा जो भी एम्प्लॉई है या ऑफिसर यहीं पे है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ऑपरेशंस कहाँ कहाँ है और अपने प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो सभी जो इंडिया से अभी ये किसान भाई है उनको हेल्प हो जाएगी अपने प्रोडक्ट अवेलेबल होने के लिए, प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। जी सर, अच्छा, तो जो किसान भाई ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे privylifesciences.com करके वेबसाइट है, मैं वेबसाइट भी चैट बॉक्स में डालता हूँ, उस पे उससे आप इंक्वायरी हमें भेज सकते हैं, तो उससे हमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवरी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे भी अवेलेबल है, तो इंडिया मार्ट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पे भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। और गुजरात कच्छ में सर अगर अपना ऑपरेशन है तो गुजरात से अगर अपना कोई स्टाफ मेंबर वहां पे है तो वो भी बात करके बता सकता है कि कौन से डीलर के पास कच्छ में अवेलेबल है, क्योंकि फार्मर डायरेक्ट पूछ रहे कि कच्छ में कहां पे अवेलेबल है, गुजरात के अगर फार्मर है तो अपना ऑपरेशन वहीं पे होगा, तो थोड़ा सा अगर डीलर के नाम बताएंगे तो अच्छा होगा। जी, कच्छ में हमारा कच्छी लेवा पटेल समाज करके एक मॉल है, एग्री मॉल कच्छ में भुज में जो है वहाँ पे लालजी भाई करके है वो मॉल चलाते हैं, और अपने ईश्वर भाई जो पिंडोरिया है वो भी उनके डायरेक्टर है, तो भुज में ही उनका शॉप है, वहीं पे अवेलेबल है। यस, तो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर देना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, महाराष्ट्र तो सब तरफ मिलेगा सचिन जी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सचिन जी महाराष्ट्र में सभी दूर अवेलेबल है। तो अभी जो भी प्रश्न मुझे लेना चाहिए था उतने प्रश्न मैंने ले पाया, जितने प्रश्न का उत्तर मैं दे पाया, बाकी प्रश्न अगर आपके रहे होंगे तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम हो गया है मीटिंग का, 8:14 हो रहे हैं,
मैं फिर एक बार प्रिवी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ इंटरेक्ट करने की मुझे मौका मिला। और एक फार्मर पूछ रहे कि मैं अभी ट्रेनिंग कर सकता हूं क्या, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो नंबर आपको दिया है 9767633777 इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करिए, मेरे टीम से पूछिए नेक्स्ट बैच कब है। अभी ये बैच का आज छठवां दिन हुआ है, कल सातवां दिन है, सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, अभी मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा, नेक्स्ट बैच में आप आइए। ट्रेनिंग सिर्फ 3,333 रुपए में होती है, अगर एक बार ट्रेनिंग करोगे, आज तक एक भी फार्मर नाराज नहीं है, ये सातवीं बैच हो रही है, एक भी फार्मर की ट्रेनिंग से मुझे वैल्यू नहीं मिली ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मीटिंग बढ़िया थी, वैल्यू आपको मिला है, नया कुछ तो भी सीखने को मिला है, तो ऐसे ही नया लेके मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद सर। प्रीवी लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई तरफे मी पर्टिक्युलरली गोरे सरंचं आभार व्यक्त करतो। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कंपनी की ओर से कि उन्होंने इतना समय हमारे किसान भाइयों के लिए दिया है, और उसी के साथ आज के जो किसान दिवस के अवसर पे मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ, आणि आपल्या सर्व महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूंना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आजच्या शेतकरी दिवसाबद्दल। मैंने खुद गोरे साहब का ट्रेनिंग किया है, मुझे पता है कि सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम को 6 बजे तक के भी अगर ट्रेनिंग किया जाए तब भी वो अपने लिए कम होगा। सर मी शकील देशमुख बोलतोय, यवतमाळला आपण कार्यक्रम केलेला होता त्यावेळेस मी स्वतः आपला ट्रेनिंग केलेला आहे की लघु शंकेसाठी माणूस जाऊ शकत नाहीये किंवा त्यातला एकही मुद्दा सोडू शकत नाही अशा प्रकारे आपलं ट्रेनिंग असते, तरी फार कमी वेळेमध्ये आपण हमारे जो भी किसान भाई आहे इतने कम समय में जो जरूरत चीज है, जो चीज की उनको आवश्यकता है, वो चीज अपने इन्हें बतलाई है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, कंपनी की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और महाराष्ट्र के साथ साथ में बाकी सभी स्टेट से जो भी किसान बंधु इस मीटिंग के लिए ज्वाइन हुए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक गवाही आप देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये प्रोग्राम, जिस तरह से ये जूम मीटिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग किसी ना किसी माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। आणि सर आपले सुद्धा मार्गदर्शन मी घेत राहू की कुठे कुठे, जर मला माहिती आहे की आपल्या शेड्यूल मध्ये सिलिक्झॉल आणि बाकीचे प्रोडक्ट हे 100% असतात म्हणजे असतातच, आणि आम्हाला आपल्या सुद्धा मार्गदर्शनाची गरज आहे की कुठे कुठे जर आपल्याला ते उपलब्ध होत नसेल तर आपल्या माध्यमातून, आपल्या ओळखीच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी ते उपलब्ध करून देऊ। आणि परत एकदा सर्व शेतकरी बंधूचे सब किसान भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और कंपनी की ओर से ये प्रोग्राम अपना यहाँ पर समाप्त होता है ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। धन्यवाद 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 सर। हाँ स्वप्निल जी।